70वां संविधान दिवस मनाया गया। बौद्ध महासभा ने बाबा साहब की प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बीजेपी कार्यालय में गूंजा प्रधानमंत्री का भाषण, संविधान दिवस पर एलसीडी लगाकर चला सीधा प्रसारण। राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष आर के स्वाई पहुंचे छिंदवाड़ा, कलेक्टर सभाकक्ष में ली विभागीय बैठक। और बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइवेट कंपनियों ने उठाया नेक कदम, पूर्व न्यायाधीश के पी तिवारी ने 70 बच्चों को दी स्कॉलरशिप। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। 70वें संविधान दिवस के अवसर पर शहर में कई राष्ट्रभक्तिपूर्ण आयोजन संपन्न हुए। कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में संविधान दिवस के अवसर पर संपन्न कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं ने देश के संविधान की मूल भावना को समझने और उस मूल भावना को अक्षुण रखने की बात कही। कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सभा में प्रकोष्ठ अध्यक्ष गुरुचरण खरे एवं दशरथ उइके सहित नेता पदाधिकारी मौजूद थे। कलेक्ट्रेट में आज संविधान दिवस के अवसर पर संयुक्त कलेक्टर ए तिर्की ने सभी को शपथ दिलाई। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक, भारत को एक, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, समाजवादी और राजनीतिक न्याय, और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त
प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। जिला भाजपा कार्यालय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज से गूंज रहा था। दरअसल यहां संविधान दिवस के अवसर पर भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों ने एलसीडी पर प्रधानमंत्री के उद्बोधन को देखने सुनने के लिए बड़ी व्यवस्था की थी। समता और न्याय का एहसास दिला पाना संभव नहीं था, लेकिन आज समय की मांग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों अपने दायित्वों पर मंथन करना ही होगा, क्योंकि दायित्व को निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते। बहुत विशेष रूप से बखूबी समझाया था, आज जब देश पूज्य बापू की 150वीं जयंती का पर्व मना रहा है तो उनकी बातें बहुत प्रासंगिक हो जाती है। वो कहते हैं, राइट इज ड्यूटी वेल परफॉर्म। उन्होंने एक जगह लिखा भी था कि मैंने अपनी अनपढ़ आपके द्वारा सच्ची निष्ठा से निभाए गए अपने कर्तव्यों से ही आते हैं। पिछली शताब्दी की शुरुआती दशकों में जब पूरी दुनिया अधिकार के बारे में यानी ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन के बारे में बात करते हैं, 1947 में यूनेस्को के महानिदेशक डॉक्टर जूनियर हस्कले। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आज 70वें संविधान दिवस के शुभ अवसर पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उधर आमंत्रित करूंगा कि वे भी आकर संदेश में स्थान ग्रहण करेंगे। आयुष्मान प्रताप साहब और वह भी विदेशों से बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके लॉ की डिग्रियां प्राप्त करके इस देश के बहुत बड़े लोकतंत्र का निर्माण किया, विशाल लोकतंत्र का निर्माण किया। और जो हमारे बीच डीन साहब उपस्थित हुए हैं, उन्होंने भी देश विदेश में अपना एजुकेशन किया, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की, तब जाकर वो इस मेडिकल कॉलेज के डीन के रूप में यहाँ आए हुए हैं। माला डालने का मौका हुआ, जिला सबसे प्राउड मोमेंट पर मेरे लिए बहुत अंदर से अच्छी बात महसूस हो रही है। मेन चौराहे पर मैं उनके माला डाल रहा हूँ, रोज खाली देखते रहता था। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, आपने ये मौका दिया मुझे ये करने के लिए। मैं देखता हूँ हर बार वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस लेते थे, उसके बारे में पढ़ते थे और फिर यहाँ से आइटम्स लेके वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालते थे। तो इट्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उतना लेवल का आदमी उस जमाने में रहना समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन। और आज इसी के कारण उनकी लेवल पे अपन बातें कर रहे हैं। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को अपना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा हित द्वारा इस संविधान को अंगीकृत आत्मसमर्पित करते हैं। दिवस के अवसर पर
शहर के तमाम उपासक उपासिका और वीर सैनिकों को हार्दिक बधाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा इस देश का सबसे लोकतांत्रिक संविधान बनाकर हमारे देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की और इस देश के अंदर में उन्होंने सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त करके विश्व में अपनी पहचान बनाई। ऐसे महापुरुष को हम संविधान दिवस के अवसर पर बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े लोकतंत्र को बचाने का काम किया। और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। खबरों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स में भी आज देश के संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा कृतज्ञता ज्ञापित कर राष्ट्रीय हितों के संरक्षण की शपथ ली गई। Intelligent person on the earth by Columbia University. There is large statue at the entrance of Toronto. We are American. He was there for us. And now I'll invite our dean sir to say a few words. My people and my staff. So, sir has got constitution. You ask me first, I must have taken 100-200 lectures. For Teachers Day, I'm... इतने शाम को लेट को बता रहे हो आप, 5 बजे आप कैसे करेंगे सुबह सुबह? तो दिस इज अ नाइस फर्म स्टेटमेंट, करना ही है। तो हमने धीरे से वो समझ गए, चैनल मटेरियलाइज सर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट। फिर मैंने क्या किया, बहुजन समाज पार्टी BSP के स्थानीय कार्यालय में भी संविधान दिवस पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने देश के संविधान की मूल भावना और मौलिक कर्तव्यों की शपथ ली। महापुरुष के सपने को कैसे साकार करेंगे हम लोग, तो जब तक हम स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा और उनकी सोच शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम समाज को नहीं बदल सकते हैं। बाबा साहब की सोच संगठन की थी, हमारे बहुजन
ये बिखराव का कारण राजनीति है। राजनीति में धर्म के ऊपर ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। बाबा साहब ने कहा कि जब तक आप शासन सत्ता हासिल नहीं करेंगे तब तक हम कोई समाधान नहीं निकल। समाज पार्टी के तत्वाधान में छिंदवाड़ा जिले में संविधान दिवस के रूप में कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित संविधान को वर्षों से भी संविधान की तो बात सब कुछ लोग करते हैं, संविधान चलाने की बात करते, लेकिन संविधान का बार बार उल्लंघन हो रहा है। इसलिए जैसे कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, पूरे देश में, इसलिए संविधान को अच्छे से लागू करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ये देश में मानवता, भाईचारा और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। इस उद्देश्य से लेकर आज बहुजन समाज पार्टी का एक जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन। भारतीय बौद्ध महासभा ने आज छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के नामकरण के संबंध में अपनी मांगे ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के समक्ष रखी। कॉलेज को छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को। तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा विगत कई दिनों से मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर आम्बेडकर जी का नाम दिए जाने की मांग की जा रही थी। इस दौरान पूर्व सरकार के प्रभारी मंत्री माननीय गौरी शंकर जी बिसेन द्वारा इसकी घोषणा भी की जा चुकी थी कि मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर आम्बेडकर जी का नाम दिया जाएगा, और हमारे लोग यह मांग निरंतर उठाते रहे। आज हम पुनः इस मांग को उठाते हैं कि मांग करते हैं कि मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर आम्बेडकर जी का नाम दिया जाए, या तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर आम्बेडकर जी का नाम दिया जाए। आज संविधान दिवस के अवसर पर यह संविधान निर्माता के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा कि हम भारतीय संविधान के निर्माता को बहुत आदर करते हैं, और हमारी यह जो मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से करते हैं कि वह छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम देने का कष्ट करेंगे। हमारा यह निवेदन है कि वह हमारी मांग को स्वीकार करेंगे। हम उनके आगमन के दौरान भी उन्हें इस मांग से अवगत कराएंगे। इसके पूर्व में भी हमने निरंतर ज्ञापन सौंपते रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष आर के सोई ने एक अहम बैठक लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को शासन की मंशा से अवगत कराया और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी जानकारियां प्रदान की। प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले करने को। सर, हम तो ट्रेनिंग करवाते हैं सर, इन लोगों को ले जाते हैं सर, ये काफी अच्छा बोलते हैं सर, अभी भी मतलब इतनी बड़ी मीटिंग में सर ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा है, बहुत बहुत। एक बात बताओ कि ये जो आपने घटिया किस्म का अनाज बोल साल भर में दो तीन बार ऐसा नौबत आता है ना, तो आप लोगों को ये मालूम होनी चाहिए कि अगर ऐसा अनाज आ गया बना लीजिए तो उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको बंद करके रखते। इसमें किसी के ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगता है, वो नागरिक अपने पूरा अपना खर्चा से उसको उठा कर लेके जाते हैं। हाँ, वैसे आपका जनपद पंचायत का अध्यक्ष का जानकारी में होना चाहिए, उनका हेडेक, उनको मालूम होना चाहिए कि मेरा जनपद में इतना। तो ऐसा करने के बजाय आप लोग उसको करते हैं और जनपद पंचायत को कुछ मालूम नहीं। भैया, जहाँ पर उपस्थिति कम है, 7% प्राइवेट कंपनियां सक्रिय रूप से समाज सेवा और राष्ट्र के विकास कार्यों में आगे आए तो निश्चित ही बड़ी सफलताएं समय पर हासिल की जा सकती हैं। कंपनियां अगर अपने लाभांश का छोटा हिस्सा भी सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाए तो रामराज की परिकल्पना जल्द साकार हो सकती है। शहर में आज पूर्व न्यायाधीश के पी तिवारी जी ने
70 विद्यार्थियों को श्री राम फाइनेंस के सौजन्य से 3,500 की छात्रवृत्ति प्रदान की। इतने बड़े स्तर पर 60% से ऊपर लाने वाले जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए 3,500 प्रति छात्र स्कॉलरशिप प्रदान की गई। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि इन बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए भी पूरा सपोर्ट किया जाएगा। मैं सोच नहीं सकता था, ज्यादा नहीं 20 वर्ष पूर्व मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ, तो उस वक्त जब उसने उसे मुझे कंप्यूटर चलाने के लिए सिखाया, तो मैंने कहा भाई ये हमारे बस का काम नहीं है कंप्यूटर चलाना, हम तो कलम से लिखते रहे जिंदगी भर और ये बहुत कठिन काम है मेरे से। उसने कहा देखो आपको आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा, और अगर मुझे बहुत जल्दी ऐसा समय आ जाएगा कि जो लोग कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं वो बाजार से बाहर हो जाएंगे, मतलब वो समाज से बाहर हो जाएंगे, उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे किसी जमाने में जो लोग पढ़ते नहीं थे उनकी स्थिति हो जाती थी, गाँव में कोई चिट्ठी। और 3,500 रुपए जो हम देते हैं वो राज्य सिर्फ प्रोत्साहित राशि है, ये आपके शिक्षा के नीचे बहुत छोटी रकम है। जैसे हमारे जरूर बिजली सर ने बोला कि ये बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अच्छे पोस्ट में जाएंगे। अगर कोई हमारा छात्र छात्रा 12वीं में 60% के ऊपर का रिजल्ट लाता है या वो आईटीआई करना चाहता है, पॉलिटेक्निक करना चाहता है, उस बच्चों को हम 15,000 रुपए प्रति वर्ष स्कॉलरशिप देंगे। अंशुल यादव, ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 70वां संविधान दिवस मनाया गया, बौद्ध महासभा ने बाबा साहब की प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बीजेपी कार्यालय में गूंजा प्रधानमंत्री का भाषण, संविधान दिवस पर एलसीडी लगाकर चला सीधा प्रसारण। राज्य खाद आयोग अध्यक्ष आर के स्वाई पहुंचे छिंदवाड़ा, कलेक्टर सभाकक्ष में ली विभागीय बैठक। और बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइवेट कंपनियों ने उठाया नेक कदम, पूर्व न्यायाधीश के पी तिवारी ने 70 बच्चों को दी स्कॉलरशिप। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही, नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारे हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।